नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे सही की सिंबल से हम अपनी खोई हुई चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे सही की सिंबल के साथ हम बच्चों के लिए बुक्स चार्ज कर सकते हैं, या आप खुद अगर स्टडी कर रहे हैं तो कैसे अपनी बुक्स को चार्ज करने के बाद आप रेकी देकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बोला कि हर टेक्निक के साथ हमें पहले करना है प्रेयर बोलना है। सो अगर मैं सपोज ये मेरी बुक है और मैं इसे चार्ज करना चाहती हूँ तो मैं प्रेयर बोलूंगी, आई थैंक रेकी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माई सेल्फ फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माई बुक फॉर बीइंग हियर। बुक को अपने हाथ में पकड़ूंगी, लेफ्ट हैंड नीचे और राइट ऊपर रखूंगी। यही सेम टेक्निक अगर आप अपने बच्चों के लिए या किसी और के लिए बुक्स चार्ज करेंगे तो सामने अपने बच्चे को बिठाएंगे, उसके हाथ में ये बुक पकड़ाएंगे, लेफ्ट नीचे और राइट हैंड ऊपर, आपका भी लेफ्ट नीचे और राइट हैंड ऊपर। बुक को हाथ में करने के बाद इमेजिनेशन में आप बच्चे के टेम्पल्स पर आप सही की सिंबल ड्रॉ करेंगे उसके टेम्पल्स पर, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो अपने टेम्पल्स पर, दोनों टेम्पल्स पर सही की सिंबल ड्रॉ करेंगे। बुक पर भी सही की सिंबल ड्रॉ करके एफर्मेशन बोलेंगे, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू मेमोराइज ईच एंड एवरी कंटेंट आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम दिस बुक। यू विल रिपीट दिस एफर्मेशन 3 times, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू मेमोराइज ईच एंड एवरी कंटेंट I am going to read from this book. I give myself permission to memorize each and every content. I am going to read from this book. मेरी affirmation में मैंने book करा। अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चे को कोई chapter है जो difficult लग रहा है, कोई particular answer है, ये topic है जिसके ऊपर उनको learn करने में problem हो रही है, तो आप अपनी affirmation में उस particular topic का नाम या उस particular chapter का नाम include करके वो पर्टिकुलर बुक उसको या नोटबुक या बुक आप उन्हें चार्ज करके दे सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आप सपोज अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आई गिव माई सन परमिशन, या उनका नाम बोल सकते हैं, आई गिव मिस्टर ए, आई गिव मिस्टर एक्स परमिशन टू मेमोराइज ईच एंड एवरी कंटेंट ही इज गोइंग टू रीड फ्रॉम दिस बुक। जब आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो आप उनकी आपकी एफर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और उस एफर्मेशन में आप उनका टाइम, उनका नाम और उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस बुक को भी आप या सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये एफर्मेशन 3 times करने के बाद लास्ट में आप प्रेयर बोलेंगे। ये करने के बाद बुक रख के आप उनके टेम्पल्स पर 2-3 minutes की रेकी देंगे, या अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद को अपने आप रेकी देंगे और उसके बाद प्रेयर बोलेंगे, आई थैंक रेकी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माई सेल्फ फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माई बुक फॉर बीइंग हियर। इस तरह से आप बुक को चार्ज करके जब आप पढ़ेंगे या बच्चों को भी अगर आपने स्टडी कराना है तो इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे के नेक्स्ट मंथ में एग्जाम्स हैं और आप हर बुक को इस तरह से चार्ज करके आप उन्हें प्रिपेयर कराते हैं। अब एग्जाम के टाइम पे क्या करना है, जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है या आप खुद एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर का वेट करते हैं तो अपनी प्रेयर बोलेंगे। अब रिकॉलिंग की, कितना भी कंटेंट हमने याद किया उसे कैसे हम रिकॉल करें, तो प्रेयर बोलेंगे, आई थैंक रेकी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माई सेल्फ फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माई सिचुएशन माई एग्जाम फॉर बीइंग हियर। अपने सही की टेम्पल्स पर सही की ड्रॉ करेंगे और 3 बार एफर्मेशन बोलेंगे, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू रिकॉल ईच एंड एवरी कंटेंट आई हैव मेमोराइज्ड सिंस लास्ट 3 months, जो भी आपका ड्यूरेशन है, या लास्ट 1 month से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस बुक का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, साथ में अफर्म करेंगे विद इन नेक्स्ट 5 minutes। ये विद इन नेक्स्ट 5 minutes का ड्यूरेशन क्यों इंक्लूड करना है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम दे के बाहर आए, एक पर्टिकुलर आंसर आपको मालूम है कि मुझे ये आता है, इसका आंसर मुझे पता है, बट आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो आपके माइंड में स्ट्रक करते हो, ओह माय गॉड, यही तो था इसका आंसर, पहले क्यों नहीं याद आया। तो इसलिए इस एफर्मेशन में हमें उसको इंक्लूड करना है। एफर्मेशन में फिर से रिपीट करती हूँ, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू रिकॉल ईच एंड एवरी कंटेंट आई हैव मेमोराइज्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर, आई हैव मेमोराइज्ड टिल नाउ विद इन नेक्स्ट 3 minutes। I give myself permission to recall each and every content I have memorized within next 3 minutes. I give myself permission to recall each and every content I have memorized within next 3 minutes. ये affirmation जब दूसरों के लिए करेंगे तो उनका नाम include करेंगे, affirmation same रहेगी। 3 बार
रिपीट करने के बाद यू विल से योर प्रेयर, आई थैंक रेकी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माय सेल्फ. इसी में अगर आप करुणा रेकी कर चुके हैं तो उसका एक कंटिन्यूटी सिंबल है जिसको आप यूज करके जितनी भी ड्यूरेशन का आपका एग्जाम है, चाहे आधे घंटे का है, डेढ़ घंटे का है, तीन घंटे का है, तो हम उसके कनेक्शंस बना के तीन घंटे के लिए लास्ट में प्रेयर बोलते हैं. आई थैंक रेकी फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माय सेल्फ फॉर बीइंग हियर, आई थैंक माय सिचुएशन फॉर बीइंग हियर और माय एग्जाम फॉर बीइंग हियर. इस तरह से आप बुक्स को चार्ज करके रेकी से अपनी स्टडीज को, अपने बच्चों की स्टडीज को बेटर बना सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही.